नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खरगोन में आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए जन जागृति बैनर पर आपत्ति लगाते हुए जिला निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बैनर में केसरिया रंग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम जिला कलेक्टर शशिभूषण सिंह को हटाए जाने की मांग की है। यह आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के समान पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, जिसमें मतदान करने के लिए संदेश दिया जा रहा है। इसी के साथ में आरोप पत्र में जिला कलेक्टर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ जिला कलेक्टर को पद से हटाए जाने की मांग कर दी है। आज हमने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जो बोर्ड लगाए गए हैं खरगोन जिले में और कलेक्टर परिसर में, उन बोर्डों पे बीजेपी का जो झंडा है जिसका ऊपर भगवा रंग है नीचे हरा है, उन्हीं दो कलरों का उस बोर्ड पे फ्लेक्स पे इस्तेमाल किया गया है, जो तो सीधे सीधे मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। तो हमने आज ऑब्जर्वर से शिकायत की है कि इन बोर्डों को तत्काल हटाया जाए, और अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे जो ऐसी मंशा रखते हैं कि भाजपा को सत्ता को लाभ पहुँचाना चाहते हैं, तो हमने आज कलेक्टर साहब के हटाने की मांग भी कही कि ऐसे कलेक्टर को हटाया जाए, सीधे सीधे सत्ता को लाभ पहुँचाना। और इसके आगे क्या करोगे? अब हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत करी है, अभी दिल्ली भी करी है और भोपाल भी करी है, और अगर कभी हम देखते हैं कल तक क्या कार्रवाई होती है, तो फिर हम आम आदमी पार्टी के, हम यहाँ खरगोन जिले में 5 ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा चुनाव में भाग नहीं लेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजे आना न्यूज़, खरगोन।